friends, welcome you all at Indian Institute of Learning Life Saving Skills. Today we'll be talking on most important topic, the something which we call as head injury. Head एक ऐसा important चीज है जिसकी injuries कई बार fatal साबित होती हैं, very dangerous, severe साबित होती हैं और कई बार ये जानलेवा भी होती हैं। Head injuries की हम बात करें तो head injuries most common होती हैं road traffic accident में या फिर trauma हो गया या फिर assault injuries में और या फिर fall from height, किसी ऊंचाई से गिर जाए या फिर मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें हेड इंजरी जो है वो मोस्ट कॉमन है या फिर असॉल्ट हो जाए। हेड इंजरीज की जब हम बात करते हैं तो हेड इंजरी दो तरह की होती है। हेड इंजरीज आइसोलेटेड का मतलब होता है कि सिर्फ सिर में ही चोट लगी है, और दूसरा है एसोसिएटेड इंजरीज। एसोसिएटेड का मतलब है हेड इंजरी के साथ सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, सेक्रल स्पाइन या और मल्टीपल पॉलीट्रॉमा का पेशेंट्स जो होते हैं तो हेड इंजरी के साथ साथ उसको चेस्ट इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, पेल्विस इंजरी, काफ़ी तरह की चोटें मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें आइसोलेटेड हेड इंजरी मतलब सिर में ही खाली चोट लगी है, जैसे कोई बाइक राइडर है, सडनली वो गिर गया है तो उसके हेड इंजरी हुई है, या फिर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, सडनली एकदम से ब्रेक लगाए और डैशबोर्ड इंजरी हो गया, साथ में उसका हेड भी विंडशील्ड से टकराया और उसको इंजरीज हो गया। तो हमें हमेशा दोनों तरफ ध्यान रखना चाहिए कि हेड इंजरीज के साथ साथ हेड इंजरी का पेशेंट जब भी आता है हमें ध्यान देना है सर्वाइकल स्पाइन पर, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन की इंजरीज कई बार क्या होता है, हम डायरेक्टली फोकस करते हैं हेड इंजरी पर और सर्वाइकल स्पाइन हमारे से मिस हो जाती है। तो व्हेनेवर द पेशेंट अराइव्स इन ए ट्राइज और कैजुअल्टी एमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ ए हेड इंजरी, ऑलवेज एक्सक्लूड rest of the injuries, examine the patient thoroughly and always exclude the patient of cervical spine, because there are 23-30% of head injuries are associated with the cervical spine injury. Always remember, these are the statistics data. तो क्या होता है, जब भी पेशेंट हमारे पास हेड इंजरी का आता है तो इमीडिएटली हमें पेशेंट को क्लासिफाई करना है माइल्ड, तो हम इसको बोलते हैं TBI। क्या बोलते हैं? TBI, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तो इसमें टाइप्स होते हैं हमारे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। अब ये क्लासिफाई हम किसके बेस पे करते हैं, एक टूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप ट्राइज में काम कर रहे हैं, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में या ट्रोमा में काम कर रहे हैं, तो यू मस्ट नो द GCS, ग्लासगो कोमा स्केल। अगर आपको ग्लासगो कोमा स्केल नहीं पता, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यू नो एग्जामिन द पेशेंट, क्लासीफाई द पेशेंट एंड अंडरस्टैंड द सीवियरिटी ऑफ द एक्सटेंट ऑफ हेड इंजरी, एंड समटाइम्स इट विल प्रूव फैटल इफ वी यू नो मिस द डायग्नोसिस, और समटाइम्स इफ वी डिले इन द डायग्नोसिस द पेशेंट, और समटाइम्स वी आर डूइंग सम ऑफ द लाइफ सेविंग इंटरवेंशन। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे माइल्ड हेड इंजरी क्या होता है। ग्लासगो कोमा स्केल जो हमारा है वो होता है मिनिमम 3, 1, 2, 3, उसको हमने मार्किंग दी है 3, और मैक्सिमम होता है 15। तो कम से कम 3 होता है, मैक्सिमम होता है 15। अगर हम अब उसको क्लासिफाई करें तो होता है माइल्ड हेड इंजरी, माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, तो वो हमारा आता है जब हमारा ग्लासगो कोमा स्केल है 13 से लेके 15 तक। मॉडरेट आता है जब हमारा ग्लासगो कोमा स्केल है 9 से लेके 12 तक। अगर लेस देन 8 है, अगर हमारा GCS ग्लासगो कोमा स्केल लेस देन 8 है, यानी 3-8 है, तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। और एनी ग्लासगो कोमा स्केल लेस देन 8 रिक्वायर्स इमीडिएट मैकेनिकल वेंटिलेशन, इमीडिएट एंडोट्रेकल इंटूबेशन एंड सपोर्ट, मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट टू द पेशेंट, बिकॉज अदरवाइज द पेशेंट विल एंड अप इनटू न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन दैट समटाइम्स आर इरिवर्सिबल, जिनको हम वापस दोबारा नहीं ला सकते। तो फर्स्ट क्लासीफाई द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द GCS ग्लासगो कोमा स्केल, जिसका मिनिमम स्कोर है 3 और मैक्सिमम स्कोर है 15, 3 से 15 तक। अगर ये स्कोर आपका आता है 13 से लेके 15 तक, 13, 14, 15, तो आपकी हेड इंजरी होगी माइल्ड। अगर ये आता है आपका 9 से लेके 12 तक, तो हमारी हेड इंजरी होगी मॉडरेट। और अगर ये हमारा लेस देन 8 आता है या 8 आता है, देन वी क्लासिफाइड इज ए सीवियर हेड इंजरी, सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी विच रिक्वायर इमीडिएट मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब ग्लासगो कोमा स्केल क्या है, ये क्या टूल है जिससे हमें पता चलता है, कैसे हम स्कोरिंग करते हैं, तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। GCS ग्लासगो कोमा स्केल में 3 स्टेप्स हैं। कितनी स्टेप्स हैं? 3। आप क्लासीफाई करिए EVM,
याद रखिए E V M, E for I response, V E V M, M for verbal response, M for motor response. अब इनको नंबरिंग करिए, E में 4, V में 5 और M में 6. 4, 5, 6. टोटल स्कोर कितना हो गया? 4 प्लस 5, 9, 9 प्लस 6, 15. 9 प्लस 6, 15 हो गया. तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया? 15. मैक्सिमम स्कोर हो गया 15, मिनिमम स्कोर हो गया 3, मिनिमम स्कोर हो गया 3. अब हम बात करेंगे सबसे पहले आई, आई में टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 4. अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट कर रहा है तो हम स्कोर देंगे उसको 4. अगर पेशेंट हम वर्बली बात कर रहे हैं तब रिस्पॉन्स दे रहा है तो हम उसको स्कोर देंगे 3. अगर कोई पेशेंट पेन पेन स्टिमुलस देने पर रिस्पॉन्स कर रहा है उसको हम रिस्पॉन्स देंगे, उसको हम स्कोर देंगे 2. अगर कोई पेशेंट वर्बल पेनफुल या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हम उसको स्कोर देंगे 1. स्कोर कितना देंगे? 1. तो ये हैं 4 स्कोर ऑफ आई मूवमेंट्स के. नेक्स्ट हम बात करें वर्बल की. वर्बल में मैक्सिमम स्कोर कितना है? 5. मिनिमम स्कोर कितना है? 1. अगर पेशेंट ओबेज आपकी कमांड्स को ओबे कर रहा है, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है तो हम स्कोर देंगे 5. अगर पेशेंट कंफ्यूज है तो हम स्कोर देंगे 4. अगर पेशेंट इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है तो हम स्कोर देंगे 3. अगर पेशेंट इनअप्रोप्रिएट साउंड्स बोल रहा है तो हम स्कोर देंगे उसको 2. और लास्ट में अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो स्कोर हो गया 1. और लास्ट हमारा है M for muscular. सपोज करो अगर किसी पेशेंट को आपने इंट्यूबेट कर रखा है, इंट्यूबेट एंडोट्रेकियल ट्यूब डली हुई है, तो हम उसको स्कोर देंगे VT. कितना स्कोर देंगे? VT. क्या देंगे? V. इस जगह पे हम लिखेंगे T. हम इसको बोलते हैं EVM. 4, 5, 6. और लास्ट में हमारा है मस्कुलर. मस्कुलर मतलब मैक्सिमम स्कोर है 6, मिनिमम स्कोर है अगेन. याद रखिए इसमें मिनिमम स्कोर तीनों में 1 है, 0 नहीं है. यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मिनिमम स्कोर, मिनिमम कितना ही वर्स्ट केस हो मिनिमम स्कोर 3 तो रहेगा. या फिर इंट्यूबेट कर रखा है तो मिनिमम स्कोर 2 प्लस T, क्योंकि आपने उसको इंट्यूबेट कर रखा है. ओबेस कमांड आपके कहने पे हाथ पैर हिला रहा है तो हम स्कोर देंगे उसको 6. अगर पेशेंट कमांड्स को ओबे नहीं कर रहा और पेन को लोकलाइज कर रहा है, पेन को विड्रॉ कर रहा है, फर्स्ट बोलते हैं विड्रॉज टू द पेन. आपने पेशेंट को छोटी काटी पेन स्टिमुलस दिया और वो अपने हाथ को हटा रहा है तो इसको हम बोलते हैं विड्रॉज टू द पेन. इसमें स्कोर देंगे हम 5. अगर पेशेंट को आप चूती काट रहे हो वो हाथ को हटा रहा है, विड्रा नहीं कर रहा, अपने दूसरे हाथ से उसको हटा रहा है तो इसको हम स्कोर देंगे 4. क्या स्कोर देंगे? 4. इसको हम बोलेंगे विड्रास टू द लोकलाइजेस द पेन. उसके बाद स्कोर 3 में हम बात करें तो उसमें क्या करता है, इन जो एबनॉर्मल है फ्लेक्शन रहेगा. क्या रहेगा? एबनॉर्मल फ्लेक्शन. और अगर हम स्कोर 2 की बात करें तो उसमें रहेगा एबनॉर्मल एक्सटेंशन. एबनॉर्मल फ्लेक्शन का मतलब ये होता है, इसको हम बोलते हैं डीकोर्टिकेट पोस्चर. और एबनॉर्मल एक्सटेंशन लेटे हुए सुपाइन पोजिशन में ऐसे करेगा, इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल और डीसेरिग्रेट पोस्चर. और लास्ट में अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो स्कोर हमारा रहेगा 1. तो वर्स्ट मैक्सिमम इज द स्कोर, गुड इज द नंबर, गुड इज द प्रोग्नोसिस. लोवेस्ट इज द स्कोर, वर्स्ट इज द प्रोग्नोसिस. ऑलवेज रिमेंबर, स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना पेशेंट के लिए न्यूरोलॉजिकल जो पेशेंट का डायग्नोसिस है और प्रोग्नोसिस है वो अच्छा रहेगा. जितना स्कोर कम होगा उतना ही न्यूरोलॉजिकल पेशेंट प्रोग्नोसिस वर्स्ट होगा. अगर किसी का स्कोर 13 है तो अच्छी बात है, इट फॉल्स अंडर माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी. अगर किसी का स्कोर 3 है देन इट फॉल्स अंडर सीवियर हेड इंजरी, सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, और जिसको इंक्यूबेशन की इमीडिएट जरूरत है. तो इस टूल को अपना के, इस टूल को फॉलो करके आप पेशेंट को इमीडिएटली डायग्नोज कर सकते हो. डायग्नोज को डायग्नोज करने के बाद आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो, यू नो द सीवियरिटी. सपोज इट पेशेंट कम से ओके स्कोर 8, then you must know patient need immediate endotracheal intubation, patient need immediate mechanical ventilation. Without wasting the time, you immediately intubate the patient. So you know your limitations, or immediately you will start acting or activating your trials team, trauma team. Okay, and if the score is highest, like I say score is 14, patient is moving all limbs, obeying command, neurological compromise, then you can even activate the trauma team. But still there is a time, you can examine the patient, you can ask for the investigations. So this is how, by knowing the Glasgow Coma Scale, by knowing the head injury associated with cervical spine, you can activate your trauma team and you can act fast and save the life fast without causing damage to the brain. Because each single second you are delaying anything,
where the score is very, very low, it give rise to, you know, irreversible neurological damage to the patient. So be alert, be attentive for when you are handling a patient of a head injury, because your single second can save a single neuron. So thank you very much for watching this. Be connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills and learn many more things in emergency and update yourself. Thank you very much.